देखेंगे कि हम विजुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो विजुअल इन्वायरमेंट सबसे पहले ये क्रिएट देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है विजुअल इन्वायरमेंट की। लाइक हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं पाइथन के, और हर पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर हमें डिफरेंट लाइब्रेरीज डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है। हर प्रोजेक्ट के लिहाज से उसकी डिपेंडेंसी जो है वो सेपरेट होंगी, तो इसीलिए हम हर प्रोजेक्ट के लिहाज से डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने के लिए विजुअल इन्वायरमेंट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे उसके लिए, या कमांड लाइन में जाएंगे, और उसमें आपने करंट डायरेक्टरी देख लेनी है कि हमारे पास लर्न पाइथन, ये इसकी करंट डायरेक्टरी है और मैं इसी के अंदर इन्वायरमेंट को क्रिएट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए पाइथन 3-m विजुअल इन्वायरमेंट, आगे जो भी आप इन्वायरमेंट के फोल्डर का नाम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। मैं लिख देता हूँ पाइथन अंडरस्कोर विजुअल इन्वायरमेंट। आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि एक फोल्डर पाइथन अंडरस्कोर विजुअल इन्वायरमेंट के नाम से क्रिएट हो गया है। अभी उसके अंदर उसकी जो फाइल्स हैं वो क्रिएट हो रही हैं, ठीक है। अभी हमें वो हमारे डायरेक्टरी के अंदर ले गया, इसका मतलब कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। इससे के बाद जो है हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि हमने इसे एक्टिवेट करना है, इसे यूज़ करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट के फोल्डर के अंदर जाके इस बिन के अंदर जाएंगे और उसे एक्टिवेट कर देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, पाइथन इन्वायरमेंट सोर्स बिन, यानी कि पाइथन इन्वायरमेंट के अंदर बिन में जाओ और उसे क्या कर दो, एक्टिवेट कर दो। हमारा फोल्डर जो है इन्वायरमेंट वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले हमें हमारी करंट डायरेक्टरी या उसका पीसी का नेम बता रहा था, अब पहले में क्या आ गया कि पाइथन इन्वायरमेंट के पाइथन इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो चुका है। अब हमने जो भी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी है वो इस इन्वायरमेंट के अंदर करेंगे। लाइक अभी हम इन्वायरमेंट के अंदर हैं, मैं कह देता हूँ pip install pip3 install pandas। अब मैं ये लाइब्रेरी जो है वो पांडास की इस इन्वायरमेंट के अंदर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट के अंदर ही रहेगी, अगर मैं इन्वायरमेंट के बाहर जाके उसे चेक करूँगा कि क्या मैंने पांडास को इंस्टॉल किया है तो वो वहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, जैसे ये डाउनलोड हो जाती है। इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि हमारा हमें जब इसे एक्टिवेट करते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें ये होता है कि हमारे कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होता, जो हमारे प्रोजेक्ट को अब डिपेंडेंसीज की ज़रूरत होती है जस्ट हम वही जो है उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और उस इन्वायरमेंट को क्रिएट कर लेंगे, उसी को रन कर लेंगे। अगर आप कोई भी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करते, आपका पाइथन का प्रोजेक्ट वैसे भी रन हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि आपकी सारी की सारी लाइब्रेरीज जो हैं एक ही जगह पर इंस्टॉल होंगी और आपके पीसी पर बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। ये हमारी लाइब्रेरीज जो हैं वो इंस्टॉल हो गई हैं पांडास के अंदर, ये उसकी बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज हैं। लास्ट में आप देखेंगे पांडास भी इंस्टॉल हो चुका है, जस्ट उसे अब इंस्टॉल कर रहा है, पहले उसने डाउनलोड किया उसके बाद अब वो उसे इंस्टॉल कर रहा है। चलें जी, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई हैं। अब सबसे